ट्यूटोरियल लेटर में मैं साहू सर आपका वेलकम करता हूँ। आज हम स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड के प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम में मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में देखेंगे कि दिए गए प्रॉब्लम से मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कंटिन्यूअस डाटा का और एक लेते हैं डिसकंटिन्यूअस डाटा का। तो पहले हम एक डिसकंटिन्यूअस डाटा, केवल वहां पर डाटा दिया रहेगा और उस डाटा से मीन, मीडियन और मोड हमको निकालना। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए ये प्रश्न है 4, 5, 6, 9, 4, 3, 4, 5, 4, 6। ये यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ एक 7। अब यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ, इस डाटा से हमको मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना। तो सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। यहाँ जब हम मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए एक सिंपल डाटा में हम किस तरीके से निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब मीन की बात आती तो मीन निकालने के लिए यहाँ हम सबसे पहले सारे डाटा को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा समीशन एक्स, डाटा को हमने एक्स सपोज कर लिया। तो समीशन ऑफ एक्स जब लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 5 + 6 + 9 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4 + 6 + 7। सारे डाटा को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कर देते हैं, 9 + 6 = 15 + 9 = 24 + 4 = 28 + 3 = 31 + 4 = 35 + 40 = 44 + 50 = 57। तो यहाँ से ये मिल गया हमको 57, समेशन एक्स की वैल्यू। अब हम कितने डाटा दिए हुए हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा एन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल डाटा कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ। और हम यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे और यह फॉर्मूला होगा हमारा बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। यह फॉर्मूला होगा मीन के लिए एक डिस्क्रीट पैटर्न पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गया 57 अपॉन हो गया 11। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 11 5 जा 55, 2 यहाँ बच गया तो 11 1 जा 11। अब ये हो गया 9, ये हो जाएगा 88। तो 5.18 इज द मीन ऑफ गिवन डाटा। अब हम इसमें हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या चीज जरूरी होता वो देखेंगे। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए डाटा को देखेंगे कि वह अरेंज्ड है या नहीं। यदि अरेंज नहीं है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर पे यहाँ देखिए अलग अलग ऑर्डर पे दिया हुआ, इस डाटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर है 3,
फिर 4, अब देखें 4 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, चार बार इसको लिख देंगे क्योंकि ये सेम नंबर है, ये 4 हो गया। इसके बाद बड़ा नंबर क्या है, 5 है, इसके बाद कितने बार 5 है वो भी देखना, यानी रिपीटेड नंबर एक साथ लिखे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 6 होगा, 6 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। इसके बाद हम 7 के बाद देखिए कहीं 8 है क्या, तो 8 नहीं है, तो 8 के बाद लास्ट नंबर हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो 9 दिया हुआ है इस 9 को टोटल अब काउंट कर लेंगे कि यहाँ पर टोटल डाटा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा अरेंज हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक असेंडिंग ऑर्डर पर इसको हमने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर टोटल n की वैल्यू कितना दिया हुआ, 11, और 11 हमारा कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, तो ये हो गया ऑड नंबर। और ऑड नंबर में मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, यहां से मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 टर्म्स। तो एन की वैल्यू कितना, 11 प्लस 1/2 टर्म्स, तो ये होगा 12/2, ये हो जाएगा 6th टर्म। अब यहाँ पर 6th टर्म काउंट कर देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6th टर्म होगा यानी 5, तो इसका जो मीडियन आएगा, मीडियन कितना हो जाएगा इसमें, 5 हो जाएगा। तो इस डाटा का यहाँ पर मीडियन कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी भी डाटा में यदि हमको मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले हम उस डाटा को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद उसको देखेंगे, काउंटिंग काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद ऑड है या इवन है इसके बेस पर हम इसमें ये देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे ऑड नंबर के लिए था, तो ऑड नंबर यदि इस तरीके से दिया हुआ तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं मोड की तरफ। तो यहाँ पर मोड जब निकालेंगे तो मोड एक्चुअल में यहाँ डाटा के बेस पर होगा, यानी मोड का मतलब होता है किसी भी डाटा में यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार होगा तब वह उसका क्या होगा, मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, एक टेबल बना लेंगे, टेबल में सबसे लोएस्ट नंबर क्या है और हाईएस्ट नंबर क्या है उसके बेस पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लिए, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, इतने डिजिट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 3 कितने टाइम्स हैं, तो यहाँ पर ये 1 टाइम्स हो गया। 4 कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स हो गया। 5 कितने टाइम्स दिया हुआ, 2 टाइम्स दिया हुआ। 6 कितने टाइम्स दिया हुआ, 2 टाइम्स। 7 1 टाइम्स, 9 1 टाइम्स। तो इस तरीके से देखते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर का है ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 का, ये यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार होगी वह उसका मोड होगा और यहाँ पर इसका मोड आ जाता है 4। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं किसी भी अनग्रुप्ड डाटा के लिए यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड किस तरीके से निकालते हैं।